कभी भी। लहराता हूं भारत, दो लोक में न खोजना, साकेत लोक में मत जाना। नारद, मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठा निदार्थ। कितना सस्ता बना दिया, कुत्ते के मूल्य में भगवान ने अपने को रख दिया। जितने मूल्य में कुत्ता मिल गया उतने मूल्य में उसने अपने को रख दिया। कितना दया, किरण के मूल्य में अपने को रख दिया। बिलार के मूल्य में अपने को रख दी। मां मनुष्य मेरा सुमरण, हिरण का सुमरण करते करते मर गए तो हिरण बने, भगवान का सुमरण करते करते मरे तो भगवान न, कुत्ते का सुमरण करते करते कुत्ते बन जाते तो उसका सुमरण करते करते उसमें खो गया। कितना सस्ता बना दिया, कितना सरल। हे प्रभु, हे दयानिधे, हे करुणा वरुणालय, और कुत्ते में प्रभु को देखने वाले नामदेव की नजरिया और भाव दृढ़ता। तो कुत्ता रोटी लेकर जा रहा था, नामदेव तीर्थ यात्रा कर रहे थे, कुछ यात्री साथ में थे, अपने छोटे मोटे तंबू लगाकर शाम के समय रोटी बना रहे थे। काला कुत्ता भगा दिया एक ने दूसरे ने, नामदेव ने रोटी सेक कर रखी थी तो जो टेंट लगा था वहां घी की कटोरी लेने गए। देखा कि रोटी उठा के ले जा रहा है कुत्ता। नामदेव ने सुन रखा था, वासुदेव सर्व मिट्टी से महात्मा सुदुर्लभ, सब ने मेरा वासुदेव छुपाए ऐसा महात्मा दुर्लभ सुदुर्लभ। सज्जन के लिए महात्मा दुर्लभ है और दुष्ट के लिए महात्मा दुर्लभ। नामदेव के लिए परमात्मा सुलभ हो गए, कटोरे लेकर नामदेव भागता है। ठहरो नाथ, हे श्याम माधव विठला थम्मा पांडुरंगा, विठला विठला थम्मा थम्मा पांडुरंगा थम्मा। कुत्ता थोड़ा भाग, लेकिन कुत्ते के अंदर चेतना तो उसी की है जिसमें नाम नहीं। दौड़ा जा, पानी 80 डिग्री गर्म हो तो उखलता नहीं, 100 डिग्री ऐसे ही भाव दृढ़। नामदेव थके थका देता है, थांबा पांडुरंगा माला तुम काई करते। कुत्ते ने मुखड़ा मोड़ा, रोटी भरी नीचे और मुंह खोला और झांकी हो गई अपने चैतन्य वक्त। एक बार नामदेव अकेले कहीं संध्या के समय जा रहे, इमली के पेड़ में कोई जिन्ना रहता था, मैंने अपने आंखों से देखा, पहले मैं नहीं मानता था, मैंने आंखों से देखा, इन्हीं आंखों से। वीरमधाम के पास में मंडल है, वहां मैं रात्रि को सैर करने जा रहा था, मैंने देखा। तो संकल्प करके उनका स्थूल शरीर नहीं होता है, अन्नमय प्राण, जलमय तत्व नहीं होता, तेजोमय तत्व होता है संकल्प से। बिंदुकारी ने अपने भाई को कई रूप दिखाए थे गोकर्ण को, ये भागवत में कथा है।
भूत में भी तीन प्रकार होते हैं, सात्विक, राजस, तामस। पीपल आदमी सात्विक वृत्ति वाले रहते हैं। मैंने मंडल में देखा, उसका मैं आपको थोड़ा सुना दूं। रात्रि के समय गांव से बाहर मेरा निवास था, स्कूल में जलपान करके अंधेरी रात थी, 8:30-9 बजे होंगे। खुली सड़क थी गामड़े की, आज से 28 साल हो गए होंगे लगभग। तो अकेला अकेला में जा रहा तो एक व्यक्ति दिखा, जितना मैं जाऊं उतना ही दूर दिखे, मैं तेज चलूं तो तेज। ये सोचा ही कौन होगा, सफेद सफेद। आगे चला तो देखा कि आरटीओ का कोई बोर्ड लगा दे, हॉर्न बजाइए अथवा रेलवे का निशान ऐसा हॉर्न भी मोर था। तो मैं सोचा ही देखा होगा मेरा भरम। फिर मैं लौट के आया तो जहां से शुरू हुआ था वो दिखना छाया पुरुष वहीं से फिर रास्ता क्रॉस कर रहा था। तो मैं खा के गया तो ओंकार आया, तो कॉल किया तो वो ऐसा जैसे फोटो निकाल के फ्लैश होता है ऐसा ही भागा कि रोड के दूसरे तरफ कुबावल होते ना, वो सारा कुबावल हिल गया। ऐसा मैजिक से मुझे लगा क्या पता मेरे उद्घार से बेचारा कोई डरा नहीं। बेटा डरना नहीं, कौन हो कौन हो कौन। बैटरी बैटरी मारी, कोई दिखे नहीं। जहाँ ठहरे थे वहां गाँव में एक गाँव के लोग आए, मैंने बात करी तो बोले कौन ऐसे कि मारू बेटू के हारो पटेल भाई रहो। चारों तरफ से कोऑर्डिनेट कर दिया उस इलाके को, जरा जरा छान मारा तो बुद्ध ने कहा कि बापू जी यहाँ भूत रहता है और कभी कभी ड्राइवर के मैजिक सीट पे बैठ के उसको डरा के एक्सीडेंट कर देते। समझा गणित ठीक बोलते हैं। नाम देव को भूत दिखा और वो बड़ा 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 संध्या के समय रात्रि के समय। लेकिन नामदेव ने क्या करा, हाय रे भूत है डर जाऊ नहीं। नामदेव ने देखा कि भूत के अंदर भी चैतन्य परमात्मा, अरे भूत ऐसा